अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। इस वक्त मैं हूँ हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और आगाज़ हुआ चलता है एक नए ट्रिप का। हांगकांग से मैं जा रहा हूँ बीजिंग और बीजिंग से आगे मेरी फ़्लाइट है बार्सिलोना स्पेन की। इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। मेरा गेट नंबर है 27 और मैं तकरीबन 3-4 घंटे पहले ही आ गया था। मुझे ये था कि शायद कुछ चेकिंग वगैरह हो, और प्लाजा प्रीमियम लाउंज जो है कोविड से पहले तो बहुत अच्छा था और कोविड के बाद जो है अभी कुछ खास ऑप्शंस नहीं रहे। हलाल के ऑप्शन तो थे ही नहीं, सिर्फ वेजिटेरियन ऑप्शन था, जो कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस कॉफ़ी वगैरह पी और वहाँ पर रेस्ट करके अपने गैजेट्स वगैरह चार्ज कर लिए। और इस वक्त मैं अपने साथ कुछ हैंड कैरी वगैरह नहीं लेके जा रहा, बस यही एक शोल्डर बैग लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यूरोप में काफ़ी मुश्किल होती है अगर आपके पास हैंड कैरी वगैरह हो तो शोल्डर बैग के साथ आसानी रहती है। बजट एयरलाइंस वगैरह भी बंदा बुक कर लेता है और उसके साथ साथ ट्रेन वगैरह में सफ़र करने के लिए भी आसानी रहती है। तो चले, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिप पसंद आएगा और मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर कर पाऊँगा। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस वक्त एयर चाइना से। काफ़ी ख्वाहिश थी कि मैं वाया इमरेट्स एयरलाइन जाऊं या स्विस एयर के साथ जाऊं, लेकिन उनकी टिकट्स जो है वो काफ़ी महंगी आ रही थी। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो उस वक्त तो काफ़ी सस्ती आ रही थी स्विस एयर की टिकट, लेकिन इस वक्त चूँकि यूरोप में सीज़न चल रहा है तो इसी वजह से टिकट्स बहुत महंगी है। कोरोना के बाद तकरीबन इन्होंने हांगकांग एयरपोर्ट को काफ़ी खूबसूरत बना दिया है, जिस तरह के पीने का साफ पानी और बैठने की खूबसूरत जगहें, उसके बाद चार्जिंग स्पॉट्स, हर एक जगह पे चार्जिंग स्पॉट जहाँ पर आप अपने लैपटॉप और अपने गैजेट्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं। पर लिखा तो हुआ है मुस्लिम मील, फिर भी मैंने कैबिन क्रू से पूछा है ये किस चीज़ का गोश्त है, अभी तक मैंने खाया नहीं है क्योंकि शक हो रहा है। उनको लगता है कि हम लोग सिर्फ पोर्क नहीं खाते, बिल्ली कुत्ता वगैरह हम खा लेंगे, शायद ये ना हो, एयर चाइना है इसलिए। ऐसे पूछा है तो कहते हैं वेट करो, अभी तक मैंने खाया नहीं है। बीप लगता है लेकिन लिखा हुआ है यार पर मुस्लिम मील। इस वक्त मैं बीजिंग एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका हूं और मेरी फ़्लाइट आगे की है तकरीबन 2:20 पे और अभी बजे हैं तकरीबन 10, तो ऑलमोस्ट 5 घंटे हैं मेरे पास। तो मैंने एक चेक किया, हलाल रेस्टोरेंट 6-7 किलोमीटर एक है, तो उस पर मैं जाके खाना खा लूँ, साथ अपने मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर लूँ। मुझे पता नहीं यहाँ से एग्ज़िट कैसे होगा। बाकी फ़्लाइट में खाना जो था ठीक ही था, हलाल लिखा हुआ था उसके ऊपर, लेकिन जब मैंने उससे क्वेश्चन किया कि ये किस चीज़ का मीट है तो उसने मुझे उसका जवाब एक आधे घंटे बाद दिया। तो आधे घंटे बाद वो आई तो मैंने कहा ये खाना ले जाओ, कहती है क्यों, मैंने कहा अभी तो ये ठंडा हो चुका है, कहती है कि मैं गर्म करके ले आती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाना, मुझे डाउट है इस पर। मैं वैसे भी फुल ही था क्योंकि प्लाजा प्रीमियम लाउंज में मैंने कुछ ना कुछ खा पी लिया था, फ्रूट वगैरह, और अभी बाहर जाता हूँ कुछ खा पी लेता हूँ और बाहर से कुछ चार्जर वगैरह भी ले लूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैरियत से पहुँचा दे। अच्छा, ट्रेन पे जाना था और
बस वो ट्रेन से निकल आया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ बाहर से जल्दी टैक्सी वगैरह मिल जाए जो कि मुझे ले जाए। 34 किलोमीटर एक रेस्टोरेंट बता रहा है और एक 6 किलोमीटर, पहले 6 किलोमीटर वाले पे जाता हूँ, आगे आगे जगह जाने 6 किलोमीटर वाली जगह पे जाते हैं, देखते हैं। तो चाइना का एयरपोर्ट कुछ ऐसा है, बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है, बीजिंग एयरपोर्ट, लेकिन बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से रात को ये थक जाते हैं, काम नहीं करते, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है यार एयरपोर्ट। मेरे ख्याल से यही एयर चाइना की एक ही फ़्लाइट उतरी है, और यहाँ तो फ्लाइटें नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है। चलें, अच्छा है, सुनसान है तो हम जल्दी जल्दी आ जाएंगे वापस। एग्ज़िट करने के टाइम में भी 3-4 बंदे ही थे और जल्दी एग्ज़िट कर दिया। यूजुअली जब हम शेंजन से एग्ज़िट वगैरह करते हैं तो बहुत टाइम लगा देते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पर जल्दी हो गया था। ये कस्टम आ गए, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है, खूबसूरत तो है, अभी बाहर जाने के लिए काफ़ी टाइम लग रहा है। वापसी पे कितना टाइम लगेगा? फ्री शटल बस टू टर्मिनल 2। अभी इन जो टैक्सी सर्विस वाले हैं इनसे पूछा है मैंने हलाल रेस्टोरेंट का कोई नियर बाय, आओ मैं आओ मैं बोले यार सिख पाकवा को मैंने मुसीबत में डाल दिया है। ये उन्होंने पूरी चाइनीज लिखी है हलाल फूड, मैंने कहा मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे पहुँचाओ कहीं, मैं आओ फंगाओ। अच्छा जी, तो डिसाइड ये किया है कि बाहर नहीं निकलता हूँ क्योंकि 34 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट था, वो भी 11 बजे बंद होने वाला था, अभी 10:15 बजे हैं और 130 यूआन वो बोल रहा था, इट्स ओके 34 किलोमीटर का, लेकिन 130 जाने का और 130 आने का, तो उसके बाद 11 बजे वो बंद हो गया। तो बस यही अभी डिसाइड किया है कि इधर ही कुछ देखते हैं, खाने वगैरह का इंतज़ाम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भूख। असल में यहाँ पर प्लाजा प्रीमियम लाउंज भी जो है वो भी बंद हो चुका है, मेरे ख्याल से कोविड के बाद इन्होंने खोला नहीं है। यहाँ पर अभी डिपार्चर में थोड़ी रश है, अराइवल में तो कोई भी नहीं था, सुनसान था। एयरपोर्ट जो है इन्होंने काफ़ी खूबसूरत बनाया है। अभी ऊपर एक जगह तो नज़र आई है, देखते हैं, बर्गर किंग भी है, बर्गर किंग से कुछ ना कुछ प्राइस वगैरह या कुछ देखते हैं ऑप्शन है इनके पास फिश बर्गर का, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, मैंने फ्लाइट में भी कुछ नहीं खाया, और यहाँ पर तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है यार, सब शाह हो रहा है, किसी को इंग्लिश एक ABC भी नहीं आती किसी, कुछ कुछ हैं जो बोल लेती हैं बेसिक इंग्लिश, हेल्प काफ़ी जो है कोऑपरेटिव हेल्प करती हैं। आगे ऊपर है, देखते हैं कम्फर्ट जोन, चलते हैं ऊपर क्या है। माय मेल कम्फर्ट जोन फुट मसाज, बर्गर किंग तो बंद पड़ा हुआ उस्ताद, यहाँ पर चलो भाई हमें ट्रैवल का बहुत शौक था, चले देखते हैं अभी क्या है। एयरपोर्ट से निकलना तो बेवकूफ़ी थी, मगर चलो टाइम पास हो गया। ये मैंने लिया है फिर मशीन से हलाल रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए मैं निकला था, इस वक्त सिर्फ स्टारबक्स खुला हुआ है, बाकी कैफे भी बंद है और यहाँ पर पिज़्ज़ा हट है वो भी बंद है, तो स्टारबक्स में कोई चीज़ है नहीं जो खाई है, लेकिन यहाँ पर मशीनों में जो चीज़ें हैं वो ओवर चार्ज नहीं करते, तो अभी
इसके जो है ये इन्होंने 4 RMB दिए हैं ये ड्रिंक के, तो ये जो बिस्किट है इसके 6 RMB, तो ये अगर हांगकॉन्ग में होता तो ये काफ़ी महंगा था। बहरहाल यहाँ का एयरपोर्ट बिल्कुल सुनसान है और देखते हैं, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है लेकिन है सुनसान, चीज़ें काफ़ी बंद पड़ी हुई हैं, वो फैसिलिटेट नहीं करते बंदे, हेल्प करते हैं लेकिन मतलब इस तरह है कि हेल्प ये लोग काफ़ी करते हैं लेकिन यह है कि कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं है, फ्लाइट के टाइम पे कम से कम कुछ चीज़ें हों, तो रेडी वेडी लगाई हुई हो, कुछ छोले चावल हो, कुछ इस तरह का निज़ाम हो। फ्लाइट में अभी पता नहीं क्या मिलेगा, रोज़ा ही रखना पड़ेगा या फ्रूट खाना पड़ेगा। चुके हैं जी 1:15 और मेरी फ़्लाइट है 2:20 पे, तकरीबन 5 घंटे का स्टे था, मैं 1 मिनट भी नहीं सोया, बस वही जो मशीन से निकाला था वही खा पी लिया है और अभी आगे 11 घंटे की फ़्लाइट है, उसमें अल्लाह करे मेरी 7 सीट पे कोई भी ना हो, फिर उसमें मैं सो लूँगा, अपनी नींद पूरी कर लूँगा। ठीक है, इस एयरपोर्ट में हर चीज़ बंद है, कई जगह पे मशीनों में पानी भी ख़त्म हुआ है, लेकिन यह है कि वाटर जोन यहाँ पर भी हैं तो बहरहाल ठीक है, जुगाड़ लगाया हुआ है इन्होंने। ये जो सामने कंफर्ट जोन नज़र आ रहा है ना, ये उधर भी था टर्मिनल 1 पे भी, तो मैं इसमें गया हूँ, तो इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आपने मसाज प्लस सोना है यहाँ पर आप सो जाओ, फुट मसाज उसके 490 RMB मैंने बोले, और सिर्फ अगर मैंने सोना है अपने फ्लाइट तक तो उसके 200 RMB मैंने बोले, तो मुझे लगा था कि मैं लेट हो जाऊँगा, तो वहाँ पर 200 RMB ठीक है रीज़नेबल है, तो मैं अपनी नींद पूरी कर सकता था, शावर की जगह भी है, सिर्फ सोने के जो है 200 RMB थे। और चले अभी तो 5 घंटे तक गुजर गए हैं, अभी अपने गेट पे आके बैठ जाता हूँ, सो भी जाता हूँ यहाँ पर, जब फ्लाइट का टाइम हुआ तो ये लोग उठा दें। अब तो 20 मिनट पहले ही इन्होंने बोर्डिंग शुरू कर दी है भाई, बोर्डिंग गेट खोल दिए इन्होंने, अभी दिल नहीं कर रहा उठने के लिए, पाँच घंटे का स्टे तो 3 घंटे तो मेरे। अच्छा मुझे आउट इन और आउट और इन होने का फ़ायदा ये हुआ है कि मैं आउट हुआ था 10 तारीख को, और फिर दोबारा जो जब एंट्री की स्टैंप लगी है दोबारा बीजिंग एयरपोर्ट पे तो वो 11 की लगती है, तो ये फ़ायदा हो गया मुझे, 3 घंटे मैं बाहर रहा हूँ और फिर वापस आ रहा हूँ, बाहर क्या रहा हूँ, 3 घंटे उसी लाइन में ही रहा हूँ और काफ़ी थक गया हूँ, और 11 घंटे की फ़्लाइट है आगे, बाजार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और 20 मिनट पहले ही इन्होंने मिजाज में उठा दिया, मैंने कहा 20 मिनट पहले ही बुलाएंगे और वहाँ पर भी 20 मिनट पहले ही पहुँच जाएंगे। चले अल्लाह करे अभी मेरे साथ सीट में कोई ना हो, मैं सो के जाऊँगा, काफ़ी करता हूँ मैं, कल सुबह 7 बजे का उठा हुआ हूँ मैं, अभी जा रहे हैं देखें।您下电了？还有你碰到钱了？很快噻。56亿哈，这边。57 बिल्कुल एंड पे है हमारी सीट, तो मैंने खुद सेलेक्ट की है, थैंक यू। वेलकम बोर्ड, थैंक यू। सामान लाते क्यों हो कि फिर जो हमरा फॉर्म पर हम को सुन सा दिस आ ओ दो हमरा फॉर्म ना सा मा आ बाने बा आ हला सो ओके
我们这边是吧？我们这边是吧？太棒了，行行行，您尽快就坐了哈，谢谢，然后后面旅客过一下，谢谢您。是几点的座位？加4个人不是吗？我一些，我开始。 लोग के साथ में घूमता है चार्जिंग स्पॉट भी है उसमें भी थी लेकिन उसमें टीवी भी नहीं था इसमें टीवी है लेग स्पेस अच्छी खासी है साथ वो ये मोहतरमा बैठी हुई थी आंटी ये उठ के आगे चली गई है क्योंकि ये सीट साथ वाली खाली है एक बंदा बैठा हुआ है लेकिन और वो अंकल जी तो चले गए तो मैं भी अकेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ठीक है आपसे फिर स्पेन में मिलते हैं कुछ है नहीं अभी आपको दिखाने के लिए मैं काफ़ी थक चुका हूँ खाना मिल गया तो खा के सो जाऊँगा ना फिर आपको स्पेन में काफ़ी Thanks for watching. Subscribe to Waqas Fida.